पाऊंगा कतर नेशनल लाइब्रेरी और भी बहुत सारा चीज़ है जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे सतारा मेडिकल है जिसमें बहुत सारे बच्चे कैसे छोटे से पैदा होकर बड़े होते हैं वो पूरा है। तो मैं फाइनली हम लोग आ गए हैं, अब बाहर आ गए एजुकेशन सिटी। तो यहाँ से निकलने के बाद एजुकेशन सिटी का कुछ लोकेशन ऐसा दिखता है जो काफ़ी अच्छा है इधर। और आज बहुत ठंडी भी लग रही है, मौसम भी बहुत ही प्यारा है। और वहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पे वो स्टेडियम है, वहाँ पे सामने जो दिख रहा है वो कतर अकेडमी है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर है, और इसमें ना इवेंट्स होता है, क्योंकि मैं इसमें एक बार अंदर भी गया था, वो इंटरटेनमेंट नंबर वन जो चल रहा था तो इसमें ही हो रहा था। पूरा दिख रहा है ना, ये UNCC का पूरा पार्किंग है, आप देख सकते हो पार्किंग कितना बड़ा है। ये कतर में ताड़ भी है, अब पता नहीं ये ताड़ी है क्योंकि हम लोग तो ताड़ी बोलते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना बहुत ही खूबसूरत है। आप कह सकते हैं कतर में वैसे तो पूरा रेत रहता है, लेकिन यहाँ पे जो लगाया गया है, यहाँ पे पेड़ पौधा, यहाँ पे जो हरियाली है, नेचर जो यहाँ पे खुद से बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं ये एजुकेशन सिटी इतना प्यारा है। अगर आप जब भी कतर में आओ तो एजुकेशन सिटी कैसे भी करके आप आओ, इधर घूमो और इन्जॉय करो इधर, अगर शांति भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग जो दिखते हैं, लोग बहुत कम रहते हैं। और यहाँ पे आके ना बहुत शांति फील होगा आपको, बहुत मज़ा आ रहा है इधर आके। और यहाँ पे कुछ हर जगह मतलब नेचर ही नेचर है। अभी तो मौसम भी बहुत ठंडी है, और गर्मी में भी आप इधर आओ ना तो थोड़ा अच्छा फील होगा आपको। हमने जो दिख रहा है दोहा एजुकेशन सिटी यही है, और यहाँ पे गाड़ी भी बहुत तेज आ रही है। ये बहुत दूर तक है एजुकेशन सिटी, और यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी बहुत रफ्तार में आती है। पास से तो और खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का जो ये फुटबॉल, कीप योर फीट समथिंग कुछ तो लिखा है जो यहाँ से दिख नहीं रहा। और यहाँ से आपका कॉर्निस भी दिख रहा है, वो बिल्डिंग जो सारी दिख रही है। योर फीट ऑन द ग्राउंड बट लीड योर हार्ट श्योर एज इट विल। जितना दिख रहा है ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये बहुत बड़ा है। इधर जितना साइज दिख रहा है ना इससे 4 times ज़्यादा है उधर। और ये पूरा एजुकेशन सिटी ना पूरा एकदम ग्रीनरी बना दिया है ये लोग। ये दोहा यूनिवर्सिटी कैंपस से ये कॉलेज है, ये पूरे एजुकेशन सिटी में ये ट्रैम्प चलती है। और देख सकते हैं ये अभी ना फ्री एंट्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप इधर आके इस टाइम पे भी घूम सकते हो, फिर सकते हो इधर। वाह, और ये पता नहीं क्या है, इसका आर्किटेक्ट वाकई बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ना ऊपर है कुछ तो है जो काफ़ी खूबसूरत इसका आर्किटेक्ट बनाया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे पूरा पानी का बहाव है जो काफ़ी अच्छा है। और इधर ना बाईसाइकिल का स्टेशन भी है, और देख सकते हैं ये क्या बताऊँ मैं, इधर आगे इतना अच्छा लग रहा है ना। और वो क्या स्टाइल है, क्या डिज़ाइन बनाया है, ये पूरा बैलून का ही है, आप देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है। मैं अपना फेवरेट एक पूरा एजुकेशन सिटी को घुमा लूँ। जो पूरा बनाया हुआ है यह वॉकवे बनाया है, और इसमें ये इसलिए बनाया है ना क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज होती है, तो जिसके वजह से जो स्टूडेंट है वो आराम से
से बच के निकल सकते हैं, ठंडे ठंडे आप निकल सकते हैं, इसलिए ये सब बनाया गया है। और ये लुक भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और जो मेरे पीछे देख रहा है, ये कतर नेशनल लाइब्रेरी है, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप जाके कतर नेशनल लाइब्रेरी का एक पर्सनल वीडियो बनाया हूँ, आप वो देख सकते हैं। और इसका ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, कैसे जाना है, क्या करना है, और कहाँ पे है, लोकेशन क्या है वगैरह। ये एजुकेशन सिटी में भी नहीं आता है, ये बहुत बड़ा है कतर नेशनल लाइब्रेरी, वहाँ से लेके वहाँ तक, और अंदर भी बहुत बड़ा है ये। अंदर का आप लोगों को दिखा दो, ये अंदर से भी ऐसे दिखता है, और इसके ऊपर भी बहुत सारा है। और वो जो सामने दिख रहा है एजुकेशन सिटी मॉस्क है, जो वो फोर पिलर पे बनाया गया है, और फोर पिलर आया है और उसको ऊपर जाके दो पिलर हो गया है। ये ट्रैम स्टेशन है एजुकेशन सिटी का, ये फोर पिलर जो है ना, वहाँ से शुरू होके वहाँ से दो चारों आके इधर आके फिर यहाँ आके फिर यहाँ से उठ के मिलता है। ये फोर पिलर 1 2 3 4 है। लेकिन ये जो दिख रहा है, ये कतर यूनिवर्सिटी मॉस्क है, उसमें नमाज पढ़ा जाता है। और यहाँ पे ना वो कैफेटेरिया है, और इधर प्रोग्राम होता है एजुकेशन का, एजुकेशनल का जो भी प्रोग्राम हो, इवेंट्स हो। इधर हॉस्पिटल यही है, और यहाँ पे यहीं पे पूरा वो स्ट्रक्चर है